thank mm -hmm. you असल खुश हम सुबह खैर तमाम देखने वालों को प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तिक नौत के मामल और मसाल के ऊपर गुफग की जाती है और आवामी नौीयत के मामलत और मसाल प्रोग्राम में जे बहस आते हैं और इसके साथ साथ जब मसाइल की बात करते हैं तो मैं हमेशा ये बात ज़रूर दोहराता हूँ कि मसाइल हम सब कराची से लेके कश्मीर तक कमो पेश एक जैसे ही हैं। बहरहाल उनका तस्करा होता रहता है और इसके साथ साथ आपके पैग़ाम भी मौसू होते हैं बहुत सारे सवाल मौसू हुए हैं मुख्त्य मामूत और मौजूद की निशानदही की गई है बारिश के बाद की सूरत हाल के हवाले से बहुत सारे पैगाम मौसू हुए और ये बार बार पूछा जाता है कि हर साल यही सूरत हाल जिसका हमें सामना करना पड़ता है बारिश के बाद अमूमा होती है लेकिन इसके बावजूद हम क्यों उसके लिए कोई आ, कोई इकदाम हमारे पास नहीं होते उठाने के लिए कोई कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होती जिसको इख्तियार की जाए और इन तमाम नुकसान से बचा जा सके बहरहाल एक बड़ा मामला और मौजूं है इनशाला इसके ऊपर मौका मिलेगा ज़रूर गुफगू करेंगे आपके सवाल को शामिल करेंगे और दीगर मामला जो नशानदही की जाती है खास पर मीशत के हवाले से कोशिश करते हैं इसके ऊपर भी बात करें और इन मौका मिलेगा आगे ज़रूर इसके ऊपर गुफगू की जाएगी ये पहला सेगमेंट आज का बड़ा इंपॉटेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है इंटरेस्टिंग इस तरह होने वाला है कि हम मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से तो बात करते ही हैं जिसमानी बीमारियाँ कैसे उनको ठीक किया जाए मुख्तलिफ डॉक्टर्स हुक्म तबीब वग़ैरह यहाँ पे हम उनको मदू करते हैं और उनसे फिर गुफगू की जाती है और इसके साथ साथ नफसियात के हवाले से भी हमारा सिलसिला जारी है जिसमें नफसियात के हवाले से जिन लोगों को मसाइल हैं उसके पर गुफगू करते हैं उसके साथ साथ एक और बड़ी अहम चीज़ है कि जो आ, मैं हमेशा एक बात दोहराता हूँ कि ये जो दिमाग अल्लाह तब को अता किया है एक बहुत बड़ी ताकत है हमारी ख़ाम ख़्याली ये है या हमें ये पढ़ाया गया है कि किसी भी कौम के लिए उसका सबसे बड़ा असासा जो होता है वो चूने के पत्थर पहाड़ ये और ना जाने इस तरह की मादनियात क्या कुछ होता है जबकि हकीकत यह है कि किसी भी कौम के लिए उसके लिए सबसे बड़ी उसकी ताकत उसका सबसे बड़ा एसेट उसका दिमाग है और यही वजह है मिसाल दे के समझाता हूँ जब गोरे इस खत्ते में आए गोरे सुगरा पिए कि जब हमारे ऊपर जिन्होंने हुक्मरानी की उनके मुल्क के अंदर ना चूने के पत्थर थे ना पहाड़ थे ना सोना था ना कुछ था लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया पर उन्होंने हुक्मरानी की और उसकी वजह क्या थी उनका दिमाग तो ये जो दिमाग आपके पास है ये एक बहुत बड़ी ताकत है इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए अमूमन आपको मशवरा दिया जाता है कि दिमाग इस्तेमाल करो दिमाग जिससे हमने सच्ची बात यह है कि काम लेना बिल्कुल छोड़ दिया है या हम उससे काम लेना नहीं चाहते मगर ये क्या कुछ कर सकता है इसके बारे में आज बात करेंगे बड़ी ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करें कि किससे क्या कुछ हो सकता है और इसके साथ साथ अगर हमें कुछ बीमारियां हैं हमें लाख हर इंसान को हो सकती हैं क्या इसको इसकी ताकत के ज़रिए डील किया जा सकता है ठीक किया जा सकता है ये सारी चीज़ें इसको समझने का मौका मिलेगा मिले मिस नादिया अलवी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि एक माइंड पावर आर्टिस्ट हैं एक एक्सपर्ट हैं जो इन तमाम चीज़ों को जानती हैं नादिया को सबसे पहले वेलकम करता हूँ और उसके बाद पर हमारी गुफ्तू की थैंक यू सो वेरी मच बहुत शुक्रिया नादिया फॉर बी उदास अदिया ये एक बड़ा डिटेल टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैंने पहले ही ये बात बता दी देखने वालों को कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होने वाला है ये आ, क्या अपने दिमाग को वाक़ता ऐसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि इससे हम चीज़ों को सही तरह से ऑर्डर में भी ले आएं और अगर हमारे साथ कुछ बीमारियां हैं तो उनको भी ठीक कर सकें तो ये जो माइंड पावर आर्टिस्ट है बेसिकली ये आर्टिस्ट का लफ्ज आ जाता है तो हम लोग पाकिस्तान में तो ख्याल ही होता है कि आर्टिस्ट तो वो है ये जो स्टेज पे काम कर रहा है या कुछ आर्ट चार्ट से उसका ताल्लुक है ये कैसा आर्ट है जरा पहले इसके बारे में बताइए जी माइंड पावर आर्टिस्ट बेसिकली नाम रखने का मकसद यही था हम माइंड साइंस की फील्ड से ही हमारा ताल्लुक है वही क्योंकि देखें आर्ट वही है आप सबसे पहले अगर अपने आप को सही कर लें ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है बिल्कुल सही कहा अपनी पर्सनैलिटी को अपने कॉन्फिडेंस को right. क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस सही होगा बॉडी लैंग्वेज अच्छी आप कॉन्फिडेंट है ना तो आप दुनिया जीत सकते हैं किसी महफिल में गए तो लोगों के दिल जीत सकते हैं अपने बात करने के हुनर से लोगों का दिल जीत सकते हैं तो ये जो हुनर है सीखने का माइंड साइंसेस की फील्ड में तो इस वजह से हम माइंड पावर आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छा बहुत कि अच्छा. हम लोगों को वो हुनर सिखा रहे हैं hmm. कि आप किस तरीके से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं और फिर किस तरह सोसाइटी के लिए भी काम कर सकते हैं आप मुल्क के लिए काम कर सकते हैं ठीक है तो आप अपने आप में फील करें कि आप कॉन्फिडेंट हैं और अप, अपने साथ साथ लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं तो दैट्स द रीजन के वी आर माइंड पावर आर्टिस्ट इसकी ज़रूरत तो मैं समझता हूँ वैसे तो हर इंसान को है मगर स्टूडेंट्स को तो बहुत ज़्यादा है होता तो ये हैमूम के स्कूल में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है तो मैं तो ये चाहता हूँ कि स्कूल की सतह से ये काम शुरू हो कि बच्चों को खास तौर पे उन्होंने कैसे डिलीवर करना है अपनी स्पीच को या अगर क्राउड के सामने खड़े हैं कैसे प्रेजेंट करना है ये कुछ भी आप सिखा रही बिल्कुल और इस वक्त हम फ्री कोर्सेज करवा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे माइंड पावर आर्टिस्ट के नाम से ही हमारा पूरा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब चैनल है जिसपे एजुकेट कर रहे हैं वेबसाइट है कॉन्टेक्ट के लिए इंस्टा है फेसबुक है और उस पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स मौजूद हैं आप यकीन करें हमारे पास जो ज्यादा लोग आते हैं वो यंग जनरेशन है या फीमेल्स है, है। क्योंकि सब आजकल आप भी नोटिस करेंगे पाकिस्तान में डिवोर्स की शराब सबसे ज्यादा yes, होती है बहुत सीरियस प्रॉब्लम है बहुत सीरियस प्रॉब्लम exactly. है और डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज हैं लोगों के रीजन उसके पीछे क्या है कि मियाँ बीवी के, मिया के ताल्लुकात या घर में लॉस के साथ प्रॉब्लम्स और सारा कुछ तो इन तमाम एजुकेशन को सीख के अपने क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम इस दिमाग को ना पॉलिटिकली सिर्फ यूज कर रहे हैं बहुत बहुत सही अगर हम अपने सब कॉन्शियस को पॉजिटिव वे में यूज करना शुरू करें तो आप यकीन करें हम बींग पाकिस्तानी वो कमात कर सकते हैं जो गोरे करके पता नहीं कहाँ निकल चुके हैं और हमें अभी तक पता भी नहीं है कि माइंड साइंसेस है क्या चीज okay. क्योंकि जब तो लोगों को पता उन्हें समझ ही नहीं आता और अब हमारी फील्ड में जब बच्चे आके सीख रहे हैं यंग जनरेशन सीख रही है आके तो हमारे आप यकीन करें ज्यादातर वॉलेंटियर्स जो हैं हमारी टीम में जो हैं वो यंग जनरेशन है exactly. और फीमेल्स हैं बिल्कुल ठीक है, है। क्योंकि वो अपनी फैमिली के इशूज पहले उनको हम यही सिखाते हैं ना सेल्फ हेल्प बिल्कुल ठीक है जब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो सेल्फ हेल्प के पहले अपने आप को सही करें क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका होगा

तो आप वैसे ही बातें करना शुरू कर देते हैं अब हमारे यहाँ तो इतनी ज्यादा नेगेटिविटी प्रिवेल करती है कि हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल होता है कि जाकर ऐसी जगह एडजस्ट करना फिर कुछ लोग बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव उनके अंदर से एनर्जी निकलती है वो अगर ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं तो उनको बहुत मुश्किल होती है क्या ये चीज़ वाकई मैटर करती है ये एग्जिस्ट करती है बहुत दफ़ा आपने फील किया होगा कि आपने किसी से फोन पे बात की या आप किसी से मिले तो आपको एक फील आती है कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई है हुँ, हुँ. एक सर में दर्द या एक अजीब एक घबराहट वाली एक फीलिंग आती है तो उसके पीछे रीजन ये होता है बेसिकली अल्लाह ताला ने मैं आपको आसान जबान में समझाऊंगी ताकि ऑडियंस जो हुँ. है वो ज्यादा आसानी से समझ सके अः हमारा अल्लाह ताला ने नैचुरली एक आउटलाइन बनाई है एक रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी है हमारी जिसको हम और कहते हैं yes. उस और में आपका अगर पॉजिटिव और है क्लीन है और अगर आप नेगेटिव लोगों में जाएंगे या कोई नेगेटिविटी उससे टकराएगी तो वो आपके और को नुकसान, नुकसान पहुंचाएगी जैसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है नजरबत से ठीक है और उसके अलावा जो नेगेटिविटी किसी के साथ अगर है तो वो आप फॉरन अट्रैक्ट कर लेते थीक हैं बहुत दफा होता होगा आपके साथ या किसी के साथ कि आप कहीं गए और जब उससे मिलके या उस महफिल से वापस आए तो आपको एक फील आती है कहीं ना कहीं जिसमें दर्द है क्यों है लिथार्जिक हो गया एनर्जी ड्रेन हो गई क्यों उसका रीजन ये है कि वो जो नेगेटिव लोग थे या उनमें कोई भी एक शख्स था आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो उससे टकराई और क्योंकि आपका और वीक है तो आपके और उसको एक्सेप्ट कर लिया तो हम ये भी एजुकेट करते हैं कि आप अपने और को कैसे स्ट्रांग करें कैसे बूस्ट करें कैसे लॉक करें ताकि वो चीजें आपको इफेक्ट ना करें लॉक भी की exactly. जा सकती है एग्जैक्टली वेरी गुड जैसे हम ट्रेनर्स हैं हम केसेस लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस हमारे पास आते हैं तो हमारे लिए भी ये एक्सरसाइजेस है कि हम अपने और को लॉक करते हैं बिल्कुल ठीक है और डेली हम अपनी क्लेंजिंग करते हैं क्योंकि और वो चीज है कि आपने और बूस्टिंग से आप अपनी लक चेंज कर सकते हैं आप दुनिया में जो हासिल करना चाहें अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं बहुत सारे लोग ये कहते हैं एक्सक्यूज मी कि हम लोग पांच नमाज अदा करते हैं सब कुछ है बट उसके बावजूद उसकी वजह वो ये बताते हैं कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन उधर नहीं होती वो उस वक्त भी बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं जब वो नमाज अदा कर रहे होते हैं इस चीज को भी क्या ठीक किया जा सकता है अपने माइंड को कॉमन सी बात है क्योंकि हमारे सब कॉन्शियस को हमने बचपन से ट्रेन कर दिया है हम नियत बांधे हुए हैं नमाज पढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया हमारे दिमाग में चल रही है yes, yes. लेकिन हमारी नमाज <coughs> नहीं खराब हो रही हम उसी तरह <coughs> रवानी में पढ़ते चले जा रहे है रकात पूरी हो लेकिन जैसे ही हमें ख्याल आएगा कि हम कौन सी रकात पे थे आप नोटिस करें हम भूल चुके होते हैं हम पता नहीं कौन से रकात पे थे बहुत दफा होता है तो बेसिकली क्या होता है क्योंकि हमने एक नेगेटिव वे में अफसोस की बात है सब कॉन्शियस को ऐसा ट्रेन कर दिया कि वो सब क्योंकि सब कॉन्शियस मैं जो कहती हूँ कि एक गुड हस्बैंड की तरह बिहेव करता है ठीक है उसको हमने ऐसा ट्रेन किया है क्योंकि नेगेटिविटी इतनी है हमारे यहाँ मुल्क के हालात की वजह से लोगों के अंदर कि हम नेगेटिव सोच होते हैं हम पॉजिटिव सोचना ही नहीं चाहते।, नहीं चाहते कुछ भी होगा हम उसको पॉजिटिव वे में लेते ही नहीं है। नह तो उसका यही एक रीजन है कि आप इतना नेगेटिव सोचते हैं कि आपकी हर चीज ना आपको बस लगता है ये बुरी ही हो सकती है और अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं हदीस खुद सी है कि तुम जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा ही पाओगे बेशक ऐसा ही है तो हम गुमान हमारा ऐसा हो गया अल्लाह माफ करे हम वो मुसलमान है कि दुआ तो मांग के आमीन कहेंगे लेकिन खुद ही यकीन नहीं है कि ये पूरी होगी भी कि नहीं होगी तो हमारी फील्ड में सबसे पहले बिलीव ट्रस्ट एंड होप अगर ये नहीं है तो आप सारे कोर्सेज कर लीजिए कुछ भी कर लीजिए आपके लिए कोई वो एनर्जी काम नहीं करेगी तो ये बड़ा जरूरी है बड़ी अच्छी बात आपने बताई है कि नेगेटिव एनर्जी को अपने से दूर कैसे किया जाए अब सवाल ये पैदा होता है इसकी ट्रेनिंग दे रही है इसके बारे में बिल्कुल हम फ्री कोर्सेज करा रहे हैं इसी वजह से हमारे यूट्यूब चैनल पे माइंड पावर आर्टिस्ट के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर तमाम कोर्सेज हैं सेल्फ हेल्प भी है हैप्पीनेस कोर्स जैसे आपने बताया कि बहुत दफा होता है आप सब कुछ करें रहे एक अंदर से खुशी नहीं है इतमान नहीं है उसके लिए हैप्पीनेस कोर्स हम करवा रहे हैं कॉन्फिडेंस बूस्टिंग कोर्स करवा रहे हैं बहुत सारे इसी तरह हमारे डिफरेंट कोर्सेज प्ले में मौजूद है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है जो आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं बताऊंगी क्योंकि लोगों को ये बात यकीन नहीं आती कि कैसे इस वक्त क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप देखें जो मेरी रिसर्च है ये तमाम कोर्सेज के लिए आपको कई कई लाख रुपए पे करने पड़ कर रहे हैं लेकिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं क्यों क्योंकि कोई तो सोचे इस मुल्क के लिए कोई तो सोचे अपने अपनों के लिए बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है और फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं उसके बाद हमारे व्हाट्सऐप ग्रुप्स होते हैं मेल एंड फीमेल अलग अलग आप जब हमें ज्वाइन करते हैं और ऐसा नहीं है कि आपने एक कोर्स कर लिया तो जी उसके बाद आपको वहां से निकाल दिया जाएगा हमारे वो लाइफ टाइम के लिए ग्रुप्स बने फनेबरदस्त आप कभी कहीं फंसे आइए सवाल कीजिए अगर आप वॉल्टियर करना चाहते हैं तो फिर आपको ट्रेनर के लिए तैयार किया जाता है अगर आप कहोगे नहीं जी मुझे सिर्फ अपने लिए सीखना है मैं अपने फैमिली को अपने आप को सही रखना चाहती हूँ उसके लिए हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे ठीक, कि ठीक, आप सीखिए और उसके बाद भी अगर आपको बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है आइए सवाल कीजिए ठीक है क्या इससे अगर हमारे यहाँ आप बहुत बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज भी ज्यादा हो गए हैं और लोग शायद उनको अभी तक इस चीज़ का इधराक नहीं हुआ कि उनके साथ कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम हो सकता है स्ट्रेस की वजह से तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं सोचने का तरीका लोगों का तब्दील हो जाता है और ना जाने क्या कुछ होता है क्या आप समझती हैं कि इसको भी ठीक किया जा सकता है ऑफ ऑफकोर्स ये इसको ठीक तो किया जा सकता है दैट इज फॉर श्योर बट मैं आपसे चाहता हूं कि आप जरा बताएं कि इससे पार निकाल सकते हैं लोगों को खासतौर पर पे जो नफसियात से जुड़े क्योंकि हमारे यहां यह होता है कि एक तो पहली चीज़ यह कि हम बहुत ज्यादा रिलक्टेंट होते हैं जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे आपसे आपको पास जाए जाएंगे भी तो किसी को बताएंगे नहीं कि हम इसकी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो ये बड़ा प्रॉब्लम है और फिर दूसरा हमारे हमेशा इसको डील करने का एक ही तरीका शुरू से रहा है वो ये कि आप किसी से यू नो कोई तावीज वगैरह ले ले तो आपका मसला हल हो जाएगा अब रियालिटी क्या है ये जरा बताइए पहले तो देखें ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि आपको कोई प्रॉब्लम है हुँ, हु, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं आप हार्ट पेशेंट हैं ना तो इसमें शर्म की क्या बात है किडनी का प्रॉब्लम है आप डायबिटिक हो गए हैं हुँ, तो हुँ, आप जाते हैं ना डॉक्टर के पास इसमें क्योंकि हमारे सोसाइटी में लोगों ने ये बिठा लिए दिमाग में कि अगर किसी ने साइकेट्रिस्ट से रुझू कर लिया है कि तो बस उसको कोई मसला है उसके साथ कोई या तो उसका अच्छा और लोग बैकअप पे खुद ही स्टोरीज भी बड़े मजे मजे की बना लेते हैं कि ब्रेकअप हो गया होगा या ये घर में खुश नहीं है शादी जिंदगी सही नहीं है क्योंकि आप यकीन करें मेरे हमारे पास केसेस आते हैं कितनी दफा और अफसोस होता है कि उनको फिर हम ये पहले एजुकेट करते हैं कि जी हम आए तो हैं लेकिन बताइएगा नहीं किसी को और वो उस कंडीशन में आते हैं क्योंकि जब उन्होंने घर में अगर जिक्र कर दिया है तो हर एक ने पहले तो जो लोगों से लोगों के रिव्यूज में आपको बताती हूँ अल्लाह से दूरी है ना इसीलिए ऐसा हो रहा है हुँ, नमाज हुँ, पढ़ो हुँ, अरे यार सब नमाज पर अल्लाह ने भी फरमाया है दुआ भी करो दवा भी करो exactly. अगर किसी को हार्ट अटैक होगा तो आप उसको पहले इमरजेंसी में ले जाओगे फिर दुआ करोगे या आप उससे कहोगे कि नहीं हार्ट अटैक हो आप वजू करो नमाज के, नमाज के लिए जा। खड़े हो जाओ पहले आप दवा करोगे फिर आप उसके लिए दुआ अच्छी बात इसी तरह मेंटल हेल्थ भी है कि अगर आपको कोई इशू हो रहा है आप उसको फर्स्ट स्टेज पे ही समझ खुद समझ लो पहले क्योंकि देखें आजकल कोई चीज समझना यहाँ सर मुश्किल नहीं है सबके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं गूगल कीजिए अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है एक तो मैं प्लीज ये कहना चाहूंगी ये मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ लोग आके ग्रुप्स में पूछ रहे होते हैं

और और ये सारे और किसी ना कोई कुछ बता बता रहा रहा कोई कुछ बता रहा। ले जाओ, ना, बड़े अच्छे कुछ ना कुछ बता रहा मैंने कहा आप लोग खुदा के डरे क्योंकि अगर आपके किसी एक गलत मशवरे पे अमल करके वो इंसान इससे ज्यादा बिगड़ गया और वो मौत की तरफ चला गया उसका खून आपके सर पे है क्यूँकी आप यकीन करें या पैनिक अटैक के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं वो बेचारे हालात हाँ। की वजह से सोसाइटी इतना उनको वो कर चुकी होती है कि वो डर रहे होते हैं और वो उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि वो लिटरली वहां होते हैं कि हम खुद कुछ ही कर लें बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि घर वाले उनके क्यों पागल हो किया? क्या क्या जरूरत है जाने की कोई जरूरत नहीं है ठीक हो जाओगे होता है में बच्चा होगा तो बड़ा होगा तो हाँ ठीक हो, हो जाएगा या एक और तो तो ये कहते हैं कि कोई हो इसकी शादी करा दो शादी करा दो आप बताइए मतलब एक मेरे पास हमारे पास एक केस आया इसी तरह कि वो न्यू मैरिड कपल था और वो बच्ची ने मुझे शादी को छह महीने हुए थे हमसे कांटेक्ट किया कि जी यही हुआ वो लड़के को कुछ मेंटल इश्यूज थे घर वालों ने खानदान ने कहा शादी करा दो तो, अब वो उसमें सफर कर रही है उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगी बताइए क्योंकि शोहर को जो मेंटल इशूज है तो मुझे बताए मैं क्या करूं उसके लिए तो मैंने कहा बेटा आपको आने की जगह आप शोहर को लाओ के दिए नहीं।, नहीं वो घर वाले मना मानते ही मांते नहीं, नहीं, नहीं को। पागल हो, तो हो जाऊंगी ये बहुत बड़ा इशू है पता नहीं मुझे समझ नहीं आता लिटरली कि दो में हम पहुंच गए हम कब इस चीज को सब वेस्ट में कितना काम हो रहा है इस पे किताबें लिखी जा रही है इसके ऊपर क्या वो आ गए है उसको उससे क्या क्या मेरेकल्स हो रहे हैं आमीन, मैं देख रहा था एक जगह कि कैंसर जैसी बीमारी को और बहुत ज्यादा कोई क्रॉनिक डिजीज हो उसको ट्रीट किया जा रहा है और हंड्रेड परसेंट रिजल्ट आ रहे हैं अब ये बात समझाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं यहाँ किसी को बताऊं आप जरा बेहतर हमारे, हमारे पास एक खातून ने हमसे कॉन्टेक्ट किया बाहर रहती थी वो कहीं तो उन्होंने कांटेक्ट किया कि जी मेरा बेटा एडिक्ट हो गया ड्रग्स में 16-17 साल हुँ, का है हम क्या हेल्प करें अच्छा दो सूरतें होती हैं कंडीशन हमारी ये है कि अगर कोई हमारे पास आया तो हम उसको पहले तो गाइड करते हैं भाई वीडियोस हैं आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी स्टेप बाय स्टेप अगर आप खुद कर सकते हो तो ठीक है अदरवाइज अगर वो कहें नहीं जी हमें नहीं है सब कुछ समझना आप हमें बताइए देन फिर हम उनको पेट सर्विसेस से ठीक है क्योंकि हम एनर्जी लगा रहे हैं ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना उनके लिए ठीक है तो वो आई कि जी मेरा ये इशू है नहीं मैं सीखना उनको हमने ऑप्शन दिया उन्होंने कहा नहीं जी मैं सीखना चाहती हूँ प्रॉपर उनको गाइडेंस दी या सिर्फ डेढ़ महीने के बाद उनका मैसेज आया कि मेरा बेटा तो पहले से ज्यादा अच्छा हो गया पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर रहा है मुझे फर्दर बताएं मैं और सीखना चाहती हूँ कि अब हील हील कैसे करते, हील है लोगों कैसे करते हैं लोगों को हमने उनको हीलिंग के लिए ट्रेनिंग दी लोगों की बीमारियों में कैसे हील करते हैं फिर कुछ अरसे बाद उनका मैसेज आया कि उनकी मदर को इधर कोई ट्यूमर टाइप की चीज हो गई थी और जाहिर ना सर्जरी इस एज में हो सकती थी ना कुछ हो सकता था तो बस डॉक्टर मेडिसिन दे रहे थे तो कह लेंगी मैंने उनको जैसे आप लोगों ने सिखाया था मैंने उनको हील करना शुरू किया और मेरी मदर का वो ट्यूमर सही हो गया विदाउट एनी सर्जरी हमारे पास ऐसे इतने केसेस हैं कि जो लोग खुद सीख रहे हैं और खुद अपनी लाइफ सही कर रहे हैं अपने घर में जो रिलेशनशिप के इश्यूज हैं वो सही कर रहे हैं क्योंकि सब कॉन्शियस में माइंड साइंस में ये ट्रेनिंग लेके आप हर मेरिकल कर सकते हैं यू नेम इट आपको ऑफिस में बॉसेस के इश्यूज हैं उनके बिहेवियर के इश्यूज हैं तो बहुत आप शुज वो शुज आते सही आते कर सकते हैं आपके हैं आपके रिलेशनशिप इश्यूज वो आप सही कर सकते हैं बच्चा आपका स्टडीज में नहीं उसका ध्यान लग रहा या गलत रास्ते पे चला गया वो आप कर सकते हैं बिल्कुल ठीक है ये तो बड़ी जबरदस्त चीज़ है और ये एजुकेशन में खासतौर पर बच्चों के लिए आप जरूर याद रखें बहुत ज्यादा काम आती है चीज बहुत ज्यादा पेरेंट्स को मैंने देखा है परेशान होते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा आप उसकी प्रॉब्लम को तो समझो उनको नहीं पता होता इसके साथ बस इसको मेमोराइज़ करना सिखा दें इसको किसी तरह याद हो जाए रट्टा लगाने की आदत हो जाए अब वो क्या करे भाई हर माइंड तो ऐसा नहीं होता कि वो रटने की कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एक दफ़ा देखते हैं और उनको याद होता है और वो उसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं बट ये कोई स्ट्रेंथ नहीं है माइंड हर इंसान का अलग तरीके से काम करता है आप जरा बताइए बच्चों के लिए खासतौर पर फिर सबकॉन्शियस माइंड में मैंने तो एक जगह ही पढ़ा था कि वो अगर उसको कोई चीज याद नहीं हो रही तो आप सोते हुए उसके कान में अगर वो चीज उसको बता दें एक दफा तो आप देखेंगे माइंड में फीड हो जाएगी क्या ऐसा वाकई होता इस है पे मैं आपको सुनाती हूँ एक और स्टोरी क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं सक्सेस स्टोरीज बताऊं लोगों को क्योंकि लोगों को उसी वक्त यकीन आता है जब उनके पास हम कोई एग्जाम्पल देते हैं वरना आज भी लोग माइंड साइंसेस को कोई फिक्शन समझते हैं जी जी ये मूवीज तक समझते हैं लिटरली क्योंकि हम exactly. हम भी एक्सपीरियंस करते हैं ना hmm. कि वो हस रहे होते हैं कि hmm. अच्छा हिप्नोसिस करते हैं तो ऐसा हो जाता है आप लोग खड़े खड़े सुला देते हैं किसी को नहीं भाई hmm. ऐसा नहीं होता ट्रीटमेंट्स की हमारी भी बाउंड्रीज है exactly. ऐसा थोड़ी है कि हम हर चीज कर सकते हैं hmm. मैं आपको आ, एक सुनाती हूँ एक खातून ने मुझसे कांटेक्ट किया उनकी बेटी की एज कोई सात आठ साल आई थिंक कह लेंगी कि एकदम से बहुत अच्छा पढ़ती थी ग्रेड्स लेती थी और एकदम से पता नहीं इसको क्या हुआ है कि इसका बिल्कुल पढ़ाई से और पढ़ के जाती है लेकिन पेपर पे जब पेपर आता है भूल जाती है लिखनी है। है। तो मैं क्या करूं मैं बहुत परेशान हूं और इकलौती बेटी है मेरी मैं क्या करूं तो मैंने कहा कि वही पहले सेल्फ हेल्प उनको गाइड किया तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं 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 तो नहीं क्योंकि वो इतनी परेशान थी जाहिर बेटी के लिए मैंने कहा ओके ठीक है मैं ऐसा हम ऐसा करते हैं हम आपको एक ऑडियो बना के दे रहे हैं ठीक है आप बच्ची का पूरा नाम बताइए जब वो बच्ची सो जाए ना तो सिर्फ उसके कान के पास इतनी आवाज में लगाइएगा कि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो आप सिर्फ तीन से चार दिन ये करिए और उसके जब पेपर शुरू होने में कोई एक हफ्ता या दस दिन रह गए थे मैंने कहा ये आप करिए उसके पेपर्स तक हुँ. और फिर रिजल्ट जब आए तो मुझे बताइए तो उन्होंने कहा ठीक है उनको एक ऑडियो दे दिया गया कि जी जब बच्ची सो जाए रात में आपस लगा दीजिए जब बच्ची का रिजल्ट आया है तो उनकी जब कॉल आई हमें तो वो मतलब लिटरली इमोशनल हो गई एकदम कि मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरी बेटी फर्स्ट आई है और और जो इश्यूज थे उसके कि वो वो याद करती थी थी भूल जाती थी, वो सारी चीजें उसकी सही हो गई हैं और वो अब पढ़ाई पे बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेट कर रही है और सब कुछ कर रही है तो अब ये बताया फिर उसके बाद वही बात है कि वो एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने देख लिया ना उन्होंने कहा अब मैं सीखना चाहती हूँ बिल्कुल अच्छा एक बात और बताए कि हमारे यहाँ ख़्याल ये यह है कि अगर कोई किसी किस्म का हमें कोर्स करना है तो हमारे पास एजुकेशन होनी चाहिए हमने मास्टर्स किया हुआ हो या अगर हमारे पास कोई सर्टिफाइड डिग्री हो तब जाकर हम ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं कोर्स कर सकते हैं क्या इसके लिए यह शर्त ज़रूरी है या कोई भी हाउस या जो शख्स ये देख रहा है प्रोग्राम वो इसको परसू कर सकता है सीख सकता है में कैसे मुमकिन है बिल्कुल मुमकिन है जिस इंसान को अगर स्मार्टफोन चलाना आता है वो यूट्यूब तक पहुँच तो। सकता है उर्दू समझता है बहुत खूब वो सीख सकता है बस यही ना कोई है। एज लिमिट है ना कोई एजुकेशन लिमिट है कुछ भी लिमिट नहीं है बहुत अच्छी बात है आप कहीं भी दुनिया में बैठे हुए क्योंकि एजुकेट हम यूट्यूब पे इसीलिए कर रहे हैं कि आप और अच्छा कोई टाइमिंग्स नहीं है दस से पंद्रह मिनट का एक लेक्चर होता है ठीक है कोर्सेज हमारे पूरे प्ले लिस्ट बनी हुई है मतलब कोई फर्ज नहीं है कि जी इस टाइम पे ही आपने सुनना है जिस वक्त आप फ्री हैं आप उसको बैठ के सुनिए और फिर उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस कीजिए फिर जहां फंसी है हर वीडियो पे नंबर है कांटेक्ट कीजिए जी मैं इस प्लेलिस्ट पे इस जगह हूँ इस एपिसोड पे हूँ यहाँ पे मुझे ये इशू आ रहा है अब मैं क्या करूँ तो गाइड किया जाता है तो कोई एज लिमिट नहीं है कोई क्राइटेरिया नहीं है आप हाउस वाइफ है आप जॉब करते हैं आप स्टूडेंट है कोई भी कहीं से भी ताल्लुक रखते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं अच्छा एक और चीज़ है क्या इसके लिए फिजिकली अपेयर होने की जरूरत है लाइक आप डॉक्टर हैं मैं आपका पेशेंट हूँ मैं आपके सामने बैठा हूँ क्या ये मुमकिन है कि आप मुल्क से बाहर हो मैं आपसे करूं और मेरा काम हो जाए इज पॉसिबल बिल्कुल पॉसिबल है और हमारी इस वक्त मेल एंड फीमेल हीलिंग टीम्स काम कर रही हैं जिसमें सारी दुनिया से पेशेंट्स हैं और इवन हमारे से? ट्रेनर भी सारी दुनिया से हैं वाह जी वाह ठीक है जो ट्रेनर्स हैं हमारे वो भी सारी दुनिया से सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बहुत अच्छा है क्योंकि जब वो वॉल्टियर जब ट्रेनिंग लेते हैं तो हम उनकी भी ट्रेनिंग उस हिसाब से करते हैं कि उनको हम अपनी टीम का हिस्सा बनाएं तो हमारी इस वक्त हीलिंग टीम्स काम कर रही हैं हमारे लिए जरूरी नहीं है किसी का जानना या उसका सामने होना और अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो भी अमेजिंग रिजल्ट्स हैं लोगों को ये अभी भी यकीन नहीं आता कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान आप देखा भी देखा नहीं, नहीं है भी नहीं। आप मिले भी नहीं है उससे और वो कहीं दुनिया में बैठा है और आप ये कैसे कर सकते हैं जैसे पिछले दिनों एक केस आया हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से किसी ने हमें कांटेक्ट किया वो एक काफ़ी एजट से साहब थे मतलब एक लाइफ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में गुजारी थी रिटायरमेंट लाइफ थी उन्होंने अपना घर वहां रेंट पे दिया और वहां एक कपल ने अब वो छोड़ भी नहीं रहे और ना उनको रेंट दे रहे हैं अब वो बेचारे परेशान उनका कोई बेटा नहीं कुछ नहीं तो वो बड़े परेशान उन्होंने कॉन्टेक्ट किया हमसे कि भाई आप लोगों का मैंने देखा बड़ा मैं फॉलो करता हूँ क्या इस मामले में आप लोग हेल्प कर सकते हैं और क्या हेल्प इसमें हो सकती, सकती है ना तो हमने कहा जी बिल्कुल कर सकते हैं हम हेल्प इसमें तो पहले तो उन्होंने खुद समझना चाहा हुँ, कि हुँ, कैसे क्यासे? ने कहा आप हमें डिटेल देंगे उस कपल की सिर्फ ठीक है पूरा तस्वीर मैंने कहा नहीं तस्वीर जरूरी हुँ, नहीं है हुँ, आप सिर्फ उनका नाम एज और जो आपका प्रॉपर सिटी या कंट्री है उसकी डिटेल आप देंगे टेलीपैथी के जरिए ये कमाल किया जा सकता है कि आप किसी के थॉट में ये डाल सकते हैं कि उसको ये रियलाइज कराए कि आप गलत कर रहे बहुत अच्छा बहुत अच्छा है और ये केस हमने जब लिया और माशाल्लाह से सक्सेसफुल हमारा ये केस हुआ तो ये भी एक हमारी सक्सेस स्टोरी है कि मतलब सिर्फ हेल्थ नहीं आप डिफरेंट क्राइटेरियाज में डिफरेंट स्टेजेस पे आप डिफरेंट ऐसा नहीं है कि आप खाली सोचो कि अच्छा जी सीख लेंगे सिर्फ एक ही जगह हम का, काम कर सकते हैं आप हर जगह उसको यूज कर सकते हैं और ये याद रखिए कि जब भी आपको इस तरह की चीज़ सीखते हैं तो ये ज्यादा बेहतर होगा या तब काम कर सकता है कि जब आप इसकी नेक मकसद के लिए इस्तेमाल करें सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये रख लीजिए कतई इसलिए नहीं है महबूब आपके कदमों में और ये और ये ये वो सारी चीजें नहीं आई टेल यू ये बात याद रखिए ये सिर्फ बेहतरी के लिए है इससे आप नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं ये तो क्योंकि एक शख्स अगर परेशानी में है हमने असल में ये भी अब तय करना जरूरी है मैं इसके ऊपर एक और प्रोग्राम करूंगा कि हम पहले समझ लें हम ये जो हसद है ये दूसरों से जो चलते हैं उनको देख कर, <coughs> किसी की चीज से किसी की अचीवमेंट से इसको ख़त्म करना ज़रूरी है कुछ लोग कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर है हम चाहते हैं ना हो लेकिन जब देखते हैं तो उससे जालसी फील होती है और अब एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ मैं चाहता हूँ ज़रा इसके बारे में भी काम करें जो सेल्फ ऑब्सेशन हो गया है अपने आप को क्या दिखाने के लिए क्या कुछ कह रहे हैं मैं थोड़ा आज थोड़ा सा कंसर्न कि इसको कैसे ख़त्म तो नहीं किया जा सकता बट इस इंसान को ये बताया जाए कि उसको अल्लाह ने बहुत अच्छा बनाया exactly. है उसको कोई बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है खातिन का तो चलें ज़रूरी है बट मैं देखता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा वो एक न्यूज़ वीक में आर्टिकल था वेनिटी इन सैनिटी तो उसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया था कि ये जो हम देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया को उसको अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं किसी की लाइफ देखते हैं इन्फ्लुएंसर की जो कि फेक होती है उसकी वजह से भी हम बहुत ज्यादा प्रेशर में आते चले जा रहे हैं इसको क्या कम किया जा सकता है आपको है इस वक्त पाकिस्तान अपने मुल्क की अपने शहर की बात करूंगी मैं हमारे मुल्क में बहुत बड़ी वजह एनजाइटी और डिप्रेशन की बल्कुल सोशल बल्कुल मीडिया भी है। यही क्रिएट कर करा एग्जैक्ट क्यों है। क्योंकि जो फैसिनेशन आपको दिख रही है ना हम इसमें मैं बिल्कुल कहूंगी कि हम इस्लाम से दूर हो गए हमें यह पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने कहा है मैंने तुम्हें जिस हाल में रखा है उसका शुक्र और अगर जब कभी एहसास हो तो अपने से नीचे वाले को ठीक है लेकिन हम सब कुछ ये अपनी तालीमत जो बेसिकली हमारी थी वो गोरों ने अपना ली है और वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन हैं। हम वो सब कुछ भूल चुके हैं ठीक है हम चाहते हैं कि उसके पास ये है तो उससे बेहतर मेरे पास जो मेरे पास है मैं उसमें खुश नहीं हूं हम उस दौड़ में लग गए हैं इस वक्त कि जो है उसपे मैं खुश नहीं हूँ नहीं वो जो है ना मुझे अब वो चाहिए मैं नदिया देखता हूँ कि सेल फोन खरीदने के लिए भी लोग परेशान होते हैं कि यार हमारे पास वो नए मॉडल वाला है सिक्सटीन आएगा तो वो कैसे होगा बिल्कुल और उसके बारे में सोच रहे हैं आई मीन ये तो आपकी सहूलत के लिए है से क्या फर्क पड़ता है क्या? कि आपके पास इलेवन टर्टीन फोर्टीन या कोई भी है अनलेस आपके पास सही तरह से काम कर रहा है लोग प्रेशर में मैंने मैंने वो अचीव करना है उसको खरीदना है उसके लिए कुछ करना है आई मीन ये तो आपका लाइफ स्पैन कम और आप ये माइंड साइंसेस से आप ये चीजें भी लोगों की सही कर सकते हैं है, तो बहुत ईजली है, कर सकते हैं ठीक है क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको कहा कि टेलीपैथी के जरिए आप ये थॉट्स लोगों के चेंज कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल सही बात है क्योंकि हम जिस सोसाइटी का हिस्सा है ना बहुत दफा लोग अंदाजा कर रहे होते हैं ये गलत है exactly. लेकिन उनके आसपास इतना प्रेशर है उन चीजों का स्टेटस मेंटेन करने का कि वो जिन लोगों में जिस स्टेटस में मूव कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों का प्रेशर है तो इस वजह से वो बेचारे मजबूर हैं उस चीज के लिए लेकिन मैं वही एक बात कहती हूँ देखें शुरुआत कहीं तो किसी को करनी पड़ी exactly. कोई ना कोई तो सोचेगा अगर इसी तरह दौड़ में लगे रहेंगे तो ना आपको फर्क पड़ रहा है ना मुझे उस इंसान को फर्क पड़ रहा है जो एंजाइटी डिप्रेशन में चला जा रहा है जिसके जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है हाई कोलेस्ट्रॉल हो रहा है रीजन क्या है उसके पीछे हर वक्त की सोच मैं कैसे ये हासिल कर लू मुझे कैसे सब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और सोचना भी चाहिए exactly, लेकिन इस तरीके से नहीं कि उसकी तरह मैं बन जाऊं वैसा मैं कर लूं ऐसा मैं कर लूं right, बिल्कुल ठीक है और वही जो मैं आपको बता रही थी कि और इस चीज पे भी बहुत काम करता है कि और क्लेंजिंग या और बूस्टिंग से आप अपनी लक को बूस्ट कर सकते हैं अपनी चीजों को बूस्ट कर सकते हैं जो हासिल करना है आप वो चीजें कर सकते हैं पॉसिबल है राइट तरीके से उसके लिए राइट डायरेक्शन आपको मिल सकती है बिल्कुल ठीक है नादिया बहुत सारे टॉपिक हैं सवाल जहन में आ रहे हैं मैं सोचता हूं हूँ आज इसके बारे में बात करूँ कि अब ये वेट लॉस की वजह से बहुत सारी खवतानी परेशान भी हैं और कुछ मुझे लगता है कि स्पिरिचुअली कुछ चीज़ ठीक नहीं है अच्छा हम लोगों का क्योंकि इनटेक में सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा है ये भी बहुत सारी चीज़ें बट ये स्परिचुअलिटी में ये चीज़ें मैटर करती होंगी आई एम श्योर तो हम लोग इन चीज़ों का नहीं ख्याल रख रहा है क्या ये चीजें वाकई मैटर करती हैं और फिर ये वेट लॉस पे आपको तो ये भी आती होंगी कि वो शादी मेरी छह महीने बाद है मैंने वो कम करना है वो बेचारी और मोटी हो जाती है चक्कर में अब बताइए क्या करें आपके पास तो बहुत केसेस आते होंगे मुझे बताएं बिल्कुल यासिर हमारे पास बहुत सारे केसेस सबसे पहले तो एक ए, मैं जवाब ये देती हूँ कि बेटा अगर इस हालत में ही आपको पसंद कर लिया है उन्होंने तो आप एक तो मैं प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ के कहूंगी एक तो हमारी बच्चियां जो शादियों के चक्कर में क्रैश डाइट पे चली जाती है ना और जो अपने हार्मोनल इम्बेलेंस का हशर नशर हो जाता की तरफ जाती मतलब दिन के एक एक मील खा रही है बस जो लाइन निकल आए हम पतले हो जाएं पहले तो खुदा के लिए मेरी पाकिस्तानी बहन बेटियों प्लीज जैसे हो ना अपने आप को उस तरह एक्सेप्ट करो जब आप नहीं एक्सेप्ट करोगे दूसरा कैसे एक्सेप्ट करेगा शुक्र करे करो आप जैसे अपने आप में खुश अपने आप को रहोजॉय करना सीखो हर कोई उस दौड़ में लग गया हम जीरो फिगर हो जाए हम ऐसे बन जाएं हम वैसे बन जाएं नहीं यार आप जैसे हो उसमें खुश रहो और मजे की बात कि हम इतने प्लेस्ड हैं मैं बात कहता हूं वैसे तो मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूं हर चीज के ऊपर बट हमारे लोग जो है ना दुनिया में बहुत थोड़े लोग होंगे जो इतने खूबसूरत होंगे आप कहीं पे देख लें इतने खूब जिस कौम से उसका ताल्लुक हो इतने खूबसूरत अल्लाह ने लोग पैदा कर दिए यहाँ पे कि आप बाहर जाकर देखें तो आपको पता चलता है यार हमारे मुल्क में कितने खूबसूरत लोग हैं लेकिन उसके बावजूद वो परेशान है कि मजीद क्या आपने अपने भी यकीनन एक्सपीरियंस किया होगा और शायद हर शख्स एक्सपीरियंस किया होगा जो पाकिस्तान से बाहर गया है बाकायदा गोरे हमें देख के तारीफ करते हैं हमारे मर्दों की भी अच्छा की को कितना एक्षा एक्षा है। एक्षा हम लोग के एक्षा एक्षा और हम हम गोरा होने के लिए मर रहे हैं हम पतले होने, हम, अच्छा और हम ये नहीं सोच रहे कि इसके साथ साथ एक्षा हैं एक्षा बस जो आज है अभी सामने दिख रहा है हम उसके बारे में सोच रहे ठीक है और मतलब मुझे समझ नहीं आता कि अब जैसे हम ये ये भी एक फील्ड अपनी स्टार्ट करने लगे हम इसके लिए वॉलेंटियर्स अपनी फीमेल वॉलेंटियर तैयार कर रहे हैं अपनी उनको ट्रेनिंग आजकल चल रही है उनकी उनकी प्रॉपर ग्रुप्स बन रहे हैं कि हम इन ये चीज भी लेके आ रहे हैं कि जो खातन के वेट लॉस के इशूज हैं पीसीएस के इशूज हैं हार्मोनल इशूज हैं कंसीव करने के प्रॉब्लम्स हैं, इस पे भी हम माइंड साइंसेस के जरिए काम कर रहे हैं हम अच्छा। अपनी फीमेल वॉल्टियर तैयार कर रहे हैं कि जिनको जो इशूज हों हमसे कांटेक्ट करें उनका अलग ग्रुप बनेगा Very और good. वहां पे हम उनको प्रॉपर अच्छी बात है कि ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि बहुत सारे खातन के सबसे ज्यादा जो हमारे पास क्वेरीज आती हैं वो इसी हवाले से होती हैं फिर उनमें बहुत सारी खातन ऐसी हैं जिनको ये पता भी नहीं है कि एक्चुअली उनके साथ प्रॉब्लम क्या है वो तो यही समझती है ज्यादातर कि किसी ने कुछ करवा दिया है कुछ है इस चीज़ से बाहर निकले नादिया का ये जो ग्रुप है हमने सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह चलाई भी है और ये जो माइंड पावर यूट्यूब चैनल है इसको जरूर एक दफा गो थ्रू करें एक दफा देखें जरूर जैसे आप बहुत सारी चीजों को देखते हैं एक चीज में आपके प्रोग्राम ऑडियंस को और बताऊं कि सबसे मजे का सरप्राइज मेरे ख्याल हमारे तमाम ऑडियंस के लिए और हमारे मुल्क के लिए आपने सुना होगा एनएलपी और सिलवा इसकी ट्रेनिंग्स जो होती है वर्कशॉप्स आपको शायद आइडिया हो कि कितनी एक्सपेंसिव होती हैं वो और हम अक्टूबर में अपना मेगा कोर्स लेके आ रहे हैं जिसमें हम एनएलपी सिलवा और तमाम कोर्सेज पीछे रिवाइज कर रहे हैं वो सब कुछ टोटली फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट बताइए ये सची और क्या बात होगी कि आपको ये सारी चीजें सिखाई जा रही है और सीखिए जरूर और ये जो मीडियम है ना यूट्यूब का इससे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं हमने खुद बहुत बहुत सारी चीज़ें इससे सीखी हैं बहुत सारी जबान इससे सीखी हैं, बहुत सारे आ, कंप्यूटर के हमने ऐसे प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर से जिसके ऊपर हमने काम करना सीखा बहुत आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट डिलेवर आप यकीन करें अगर आप सीखना चाहें सारा दिन आप इसके ऊपर सीख सकते हैं मगर आपको अपनी सोच को इस तरह डेवलप करना पड़ेगा आप सही चीज़ों की तरफ जाएं और दूसरा एक चीज़ और अब मुश्किल पता है क्या है ना दिया हर बंदा एक्सपर्ट है मुझसे ज़्यादा तो खैर आप जानती हैं Uh, बहुत एक्सपर्ट अब आ गए हैं उसके अंदर बहुत सारी एक्सपर्टीज शेयर कर रहे हैं सबसे शांत अब लोग बेचारे वो पूछते हैं कि यार वो भी ये बता रहे थे कानों को तो अच्छी लगती है क्योंकि ऐसी बात कानों को अच्छी लगती है बट वो प्रैक्टिकल नहीं, नहीं होती और बहुत सारी चीज़ों का तो उनको इल्म ही नहीं होता और वो जैसे हम उर्दू में कहते हैं नीम हकीम खतरा है जान तो हमारे पास तो माशा भरमा रहे हर बंदा एक्सपर्ट है कुकिंग का भी एक्सपर्ट है ये भी बता रहा है और लाइफ हैक्स भी बता रहा है कैसे इसका फैसला किया जाए क्या ये जरूरी है कि सही बंदे के पास जाया जाए वरना तो सारे एक्सपर्ट बैठे हेल्थ को लेके ना मैं कहती हूँ प्लीज अपने आप पहले तो खुद ही एक्सेप्ट करें और फिर थोड़ी रिसर्च अपनी मोहब्बत के लिए करें क्योंकि मैं मेरा एक मैं बड़ा हर एक को कहती हूँ लव योर सेल्फेक्ट बहुत अच्छी बात है। चाहे वो घर की कोई खातून है चाहे वो मर्द हैं, आप सही तो आपका घर भी मतलब ये होता है कि वो खातौर पर सुन प्लीज ये जो महंगी महंगी हैं ये इतने खतरनाक एसिडिक वैल्यूज होती हैं अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे कि क्या क्या काम कर रहे हैं मरकरी में देख रहा हूँ क्या हो गया हम लोगों को ये रंग गोरा करने के लिए किस हद तक जो वो चले गए वेल well, नादी अब बातें तो बहुत सारी थी और बड़ा मज़ा आ रहा था आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा था और मेरी तो ख़्वाहिश है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहे बट ये कि प्रोग्राम का वक़्त हमारे जो सेगमेंट है उसका जो मुकम्मल हो गया मैं बहुत शुक्र गुज़ार हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाई कराची में आके और आपने इसके बारे में हमें बताया कि ये माइंड पावर जो है वो क्या कुछ कर सकती है इससे क्या कुछ कमलात हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात जो है इसमें वो ये कि ये सीखा जा सकता है आप भी ट्रीट कर सकते हैं दूसरों को खुद को भी बेहतर बना सकते हैं और दूसरों को भी तो ये जो माइंड पावर आर्टिस्ट है इसका यूट्यूब चैनल पे जाइए और फिर इनके जो प्रोग्राम्स हैं उनको एक दफा देखिए जरूर थैंक यू सो वेरी मच आपका बहुत शुक्रिया तो नाजीन ये हमारा सेगमेंट था और बहुत अच्छी गुफ्तु हुई है और इन शाला आगे भी कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर बात करें और आपके सवालत को भी इन नेक्स्ट टाइम जो भी मेरे पास आए उनको अगली दफ़ा में मैं इनशाला जरूर शामिल करूँगा एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ पढ़ेंगे आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम